जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सर्दियों में तुलसी के सूखने से संबंधित। जानेंगे सर्दियों में तुलसी को सूखने से किस तरह से हम बचाएं और किस तरह से हम देखभाल करें तुलसी के पौधे की। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं तुलसी को सूखने से बचाने के कुछ खास जानकारी। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ पौधा माना जाता है। हर हिंदू घर के गमले में यह पौधा आपको मिल ही जाएगा। तुलसी को आसानी से घर में उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी देखभाल अच्छे से करना होती है, तभी यह पौधा हरा भरा रह पाता है। सर्दी यानी कि ठंड में अक्सर यह पौधा मुरझाकर सूख जाता है। जानते हैं तुलसी को सूखने से हम कैसे बचा सकते हैं, जानेंगे कैसे कर सकते हैं इसकी हम देखभाल। मित्रों, तुलसी को इस तरह से बचाएं ठंड से। सर्दी में तुलसी में जल न कम हो न ही ज़्यादा हो। एक दिन छोड़कर जल अर्पित करेंगे तो यह चलेगा। तुलसी के पौधे को मौसम की मार से भी बचा कर रखना चाहिए। ज़्यादा ठंड या गर्मी में तुलसी समाप्त हो जाती है। घर में तुलसी माता के आसपास कॉटन का कपड़ा लगा देवें। आप चाहे तो ठंड में तुलसी के आसपास कांच का कवर लगाकर उसे बचा सकते हैं। यदि आपने तुलसी को गैलरी या घर की बालकोनी में रखा है तो उसे रात में घर के अंदर रख लेवें। तुलसी की मिट्टी को घास फूस कंडे से ढककर भी रख सकते हैं। इस तरह से करें तुलसी की देखभाल। तुलसी की जड़ों में रविवार और एकादशी को छोड़कर प्रतिदिन उचित मात्रा में जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी में जल न कम और न ही ज़्यादा डालें। एक दिन छोड़कर जल डालें। बारिश में तो सप्ताह में दो बार ही डालें। ज़्यादा पानी से जड़ें गल जाती है या उसमें फंगस लग जाती है। समय समय पर तुलसी की मंजीरियाँ को तोड़कर तुलसी से अलग करते रहें, अन्यथा तुलसी बीमार होकर सूख जाती है। तुलसी की आज्ञा लेकर ही पत्ता तोड़ें। नाखूनों से तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वह महिलाएं तुलसी माता से दूर रहें जिन्हें पीरियड्स महावारी चल रही हो। तुलसी माता के आसपास वस्त्रों को ना सुखाएं। गीले वस्त्रों के आसपास से साबुन की गंध और सफ़ेद किस्म के कीड़े या बैक्टीरिया रहते हैं। तुलसी के पौधे को मौसम की मार से भी बचा कर रखना चाहिए। तुलसी के पौधे की मिट्टी साफ सुथरी रखें। इसके आसपास जमी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे थोड़ा खोदकर उथली मिट्टी बनाकर रखें। गमले में 70% मिट्टी और 30% रेत को अच्छी तरह से मिलाकर डालें और इसमें तुलसी का पौधा उगाएं। मित्रों, तुलसी के पौधे में अच्छी खाद का उपयोग करें। खाद प्राकृतिक या जैविक होनी चाहिए। घर में खाद बना सकते हैं जिसमें नीम के पत्तों का भी उपयोग करना चाहिए। गाय के गोबर को सुखाकर तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी को जिस गमले में लगा रहे हैं वह बड़ा चौड़ा और मजबूत होना चाहिए। मित्रों, इसके बाद आप उसमें नीचे दो बड़े छेद करें। इसके बाद नीचे कागज़ रखकर उसमें खाद वाली मिट्टी मिलाएं। बाद में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी को हरा भरा रखने के लिए 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच गप्सम साल्ट लेकर पौधे की पत्तियाँ और मिट्टी में छिड़कें। इससे पौधा बहुत हरा भरा रहेगा। पौधे में अगर कीड़े लग रहे हैं तो उस पर नीम ऑयल स्प्रे का उपयोग भी आप कर सकते हैं। मित्रों, ये थी विशेष तरह की विधि तुलसी को बचाने की और तुलसी को सर्दियों में सूखने से हम उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। मित्रों, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।